मिल रही, इसके कारण जो है हमारी फसल आई हुई 4,000 करोड़ की खत्म हो जाएगी। किसान निपट जाएगा, वो हमको निपटा देगा। फिर भाई मेरे हरदा और होशंगाबाद में मूंग की फसल को देखते हुए बिजली की कटौती बंद कर। दोस्तों, जहां जनता गर्मी की मार से जूझ रही है, वहीं बिजली ने भी गर्मी में काफी परेशान करके रखा है। लेकिन इस बीच ही हमारे देश के मंत्रियों को केवल अपनी सत्ता और कुर्सी से प्यार है, उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जिसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में बिजली संकट की स्थिति को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को आईना दिखाया है। पटेल ने अपने होशंगाबाद और हरदा जिले में हो रही बिजली कटौती से 4,000 करोड़ की फसल बर्बाद होने की आशंका जताई है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है बिजली का संकट नहीं है, मगर उसके कृषि मंत्री कमल पटेल अपने चुनाव क्षेत्र हरदा के साथ पड़ोसी जिले में होशंगाबाद में हो रही बिजली कटौती से परेशान है। वह बिजली कंपनी के अफसरों को फोन लगाकर अपने अंदाज में विनती कर चुके हैं, लेकिन अब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को मोबाइल पर वस्तु स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि किसान को 10 घंटे की बिजली मिलना चाहिए, लेकिन लोड शेडिंग के नाम पर बिजली कटौती की जा रही है। इससे हरदा होशंगाबाद के किसान परेशान हैं और उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी, किसान निपट जाएगी और फिर वो हमें निपटा देगा। काश आईएफ ककवी ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसे आपको देखना चाहिए। इसके कारण जो है हमारी फसल आई हुई 4,000 करोड़ की खत्म हो जाएगी। किसान निपट जाएगा, वो हमको निपटा देगा। फिर भाई मेरे हरदा और होशंगाबाद में मूंग की फसल को देखते हुए बिजली की कटौती बंद करके जो 10 घंटे बिजली मिल, मैंने एमडी को बताया, पर आप जाए टाइट करके और बोल दो। वो लोड सेटिंग के नाम पे बहुत काट रहा है, के नाम पे बहुत काटते हैं। वो नहीं करे लोड सेटिंग यहाँ दो जिलों में, हरदा और होशंगाबाद। ठीक भाई, तो देखा आपने दोस्तों, इसमें नेताजी क्या कहते नजर आ रहे हैं। काश आईएफ ककवी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश में गहराता बिजली संकट, कृषि मंत्री कमल पटेल बीजेपी बिजली मंत्री प्रद्युमन GWL को फोन कर अपने गृह जिला हरदा और होशंगाबाद जिले में प्रतिदिन कम से कम 10 घंटे बिजली आपूर्ति करने के पक्ष में कहा, अगर हम सत्ता प्रदान नहीं करते हैं तो वे हमें वोट देंगे। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण विद्युत कटौती के दौर में खुद कैबिनेट मंत्री कमल पटेल को कृषि क्षेत्र में ही फसलों के चौपट होने के लिए अब फसलों की सिंचाई के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली देने की गुहार ऊर्जा मंत्री से लगानी पड़ रही है। कमोबेश यही स्थिति प्रदेश के विभिन्न जिलों की है, जबकि शहरों में भी अब सुबह की बिजली कटौती शुरू हो गई है, जिसके कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में सरकार शुरू से दावा करती आ रही है कि कोई भी बिजली संकट नहीं है, जो भी बिजली संकट की स्थिति बनेगी उसे निपट लिया जाएगा। अब खुद मंत्री ही स्वीकार करते नजर आ रहे हैं कि यदि फसलों के खराब होने से किसान निपटे तो इससे आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों के अलावा विधानसभा चुनावों में मंत्रियों को भी निपटना पड़ सकता है। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल का ये वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा है कि जब मंत्री खुद ये मान रहे हैं कि बिजली कटौती के कारण निपट सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आगामी चुनाव में भाजपा सरकार को बिजली कटौती का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने इस मामले में कहा है कि कांग्रेस तो पहले से ही कह रही है कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रदेश के मंत्री खुद प्रदेश में बिजली कटौती पर मुहर लगा रहे हैं। कृषि मंत्री ऊर्जा मंत्री से कह रहे हैं कि हरदा होशंगाबाद में बिजली कटौती बंद करो, यदि किसान निपटा तो वो हमको निपटा देगा। मंत्री जी, आज किसान से लेकर सभी बिजली कटौती से परेशान हैं। शिवराज सरकार का निपटना तय है। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहें MIM न्यूज़ एक्सप्रेस।